हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज देखते हैं क्या है ढाबा वाले बाबा की पूरी कहानी, यानी कि बाबा का ढाबा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो काफ़ी चर्चे में थी, तो चलिए देखते हैं क्या थी ये वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो देखा, अब चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। आखिर कहानी क्या थी, सोशल मीडिया का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसकी झलक उस वक्त देखने को मिली जब दिल्ली में एक गरीब बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल होने के बाद उनका ढाबा मशहूर हो गया। दरअसल एक बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया जिसमें बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग दंपति ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका काम ठप हो गया है और ढाबे पर अब गिनती के लोग आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ वार्ती ने शेयर करते हुए लिखा कि कल वो इस ढाबे पे जाएंगे और इन बुजुर्ग दंपति की मदद करेंगे। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और गुरुवार को बाबा का ढाबा पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। आइए जानते हैं कि क्या है बाबा का ढाबा की कहानी और कौन है इस ढाबे के मालिक। दोस्तों 1988 से ढाबा चला रहे हैं 80 साल के कांता प्रसाद से जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 80 साल के पार है और 1988 से हम लोग इस ढाबे को चला रहे हैं। हम सुबह करीब 6 बजे यहाँ आते हैं और 9:30 बजे तक खाना तैयार हो जाता है। कमाई न के बराबर है और ज़्यादातर खाना बच जाता है, उसे लेकर चले जाते हैं। खाने में दाल चावल सब्जी रोटी पराठा चाय सभी कुछ बनते हैं। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। लॉकडाउन से पहले काम ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अब यहाँ ग्राहक बहुत कम आते हैं। दोस्तों आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि दिल्ली में कहाँ है बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा को कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बदामी देवी मिलकर चलाते हैं। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर की शिवालिक कॉलोनी में हनुमान मंदिर के सामने बी ब्लॉक में स्थित इस ढाबे पर चाय नाश्ते से लेकर बहुत कुछ मिलते हैं, यानी यहाँ लंच भी मिलता है। अपना वीडियो वायरल होने और ढाबे पर जुटी ग्राहकों की भीड़ देखकर बुजुर्ग कांता प्रसाद बेहद खुश हैं और लोगों को शुक्रिया करते हुए दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके ढाबे पे बहुत ही कम लोग आते, कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन आज उनके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। यानी ऐसा लगता है उन्हें कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके यहाँ खाने के लिए आते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और बुरा भी लगेगा कि उनके बच्चे अपनी कमाई से उन्हें कुछ नहीं देते। यानी हालात ठीक होने के बाद उन बुजुर्ग दंपति ने बताया कि पहले बिक्री नहीं होती थी तो कमाई भी नहीं थी, जो खाना बच जाता था उसे घर ले जाते थे, वहीं खाना खाते थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि राशन नहीं होता तो भूखे रहना पड़ता, बच्चे अपनी कमाई से कुछ नहीं देते। एक बेटा का काम छूट गया है और जो दूसरा बेटा काम करता है वो कुछ नहीं देता। बेटी की शादी हो गई है लेकिन वो हमारे साथ ही रहती है। एक नातिन है 12 साल की, उसे पढ़ाते भी हैं। दोस्तों इतना कुछ होने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, कोई न कोई शख्स होता है और वो शख्स था गौरव वासन, जो कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है। दोस्तों गौरव वासन ने बाबा का वीडियो शूट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, उसके बाद शेयर की बौछार सी लग गई थी। फिर ना जाने कितने सेलिब्रिटी नेता सभी लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और मदद करने की मांग उठाई, जिसके बाद बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हो गए। दोस्तों इस वीडियो को कई दिग्गज हस्तियों ने शेयर किया था, यानी बॉलीवुड से बहुत सारी ऐसे हस्ती थे जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली चलो बाबा का ढाबा और चलो खाते हैं मटर पनीर।
वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा ने ढाबे का एड्रेस अपने ट्वीट में लिखते हुए कहा, अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर बाबा का ढाबा पे जाएं। इनके अलावा अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी लिखा, दिल्ली वालों दिल दिखाओ, जो भी इस ढाबे पे खाना खाने जाए वो मुझे अपनी तस्वीर भेजे, मैं इसे अच्छे मैसेज के रूप में शेयर करूंगी, यानी एक मैसेज लिखकर इसे शेयर करूंगी। दोस्तों अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, यानी बाबा का ढाबा का करंट सिचुएशन क्या है। दोस्तों बाबा का ढाबा तो अच्छे तरीके से चल रही है, पर कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब आदमी की परिस्थितियाँ चेंज होती है तो उनका दिमाग और पर्सनालिटी भी चेंज हो जाता है। यहाँ बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसने मदद किया बाबा ने उसी पे पैसे गबन करने के आरोप लगा दिए और FIR दर्ज कर दिए। बाबा के ढाबा वाले बाबा ने यूट्यूबर गौरव वासन पर मानहानि का आरोप लगाया है और कुछ पैसे धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया है, क्योंकि दोस्तों जो कुछ पैसे ऐसे होते थे जो यूट्यूबर गौरव वासन के अकाउंट पे आते थे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी कोई ना कोई शख्स का हाथ ही होगा, क्योंकि बाबा इतना सब खुद नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों बाबा को दूसरे के बहकावे में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी परिस्थितियों को भी देखना चाहिए कि उनकी पहले की परिस्थिति क्या हुआ करती थी। अगर किसी मदद करने वाले बंदे के साथ ऐसा होता है तो आगे से कोई भी बंदा किसी गरीब की मदद करना नहीं चाहेगा। खैर ये तो जांच का विषय है, पर इन आरोपों पे गौरव वासन ने अपना वक्तव्य दिया है और कहा है कि हमने बाबा को 3.5 लाख रुपये कैश दिए हैं। तो दोस्तों इस कहानी में क्या है सच्चाई, ये तो पुलिस और प्रशासन ही पता करेगी। तो हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी कहानियों से भरे वीडियो भी लाते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।